पिछले एपिसोड में आपने देखा। हनी, तुम उसे कहाँ लेकर जा रहे हो? सुनो, मानसिक रोगों का अस्पताल उधर है। बाहर में जाओ। ये हमारी नई इकोनॉमिक्स अध्यापिका हैं। इनका नाम है मिस कैथरीन वॉटर्स। वैसे अगर ये पढ़ाने के साथ साथ अच्छी कार भी चला लेती तो विद्यार्थियों का आने वाला वक्त काफी मजेदार रहेगा। ठीक है लोला, मैं अपने भाई को किंडरगार्टन छोड़ के सीधा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है डेमियन, यहां आओ। हाँ हाँ, मुझे ये खिलौना मिला है। बाद में बात करता हूँ, वो मुझे दो अभी। पर नहीं, ये मुझे मिला है, मैंने इसे ढूंढा है, मेरा है। हेलो, मैं उसके पास जा रही हूँ। कैसी है वो अब? अब तो सब कुछ सही है, लेकिन कल शायद उसे हम खो देते। तुम्हें ध्यान रखना होगा, अभी उसके पास जाओ लेकिन बहुत सावधान रहना, उसे किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। ठीक है? गुड मॉर्निंग निकी, कैसी हो तुम? डॉक्टर ने कहा है तुम्हें जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आई हूं, तुम्हें पसंद है ना? चलो अब कुछ खा लो। आज मैं अपनी नई जॉब शुरू करने जा रही हूं, मैं अपना जीवन बदलना चाहती हूं। अब मैं एक स्कूल में इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। निकल जाओ यहां से, निकल जाओ। और ये फल भी अपने साथ ले जाओ। रात को मिलती हूँ। दो सेकंड रुको डार्लिंग, मुझे कॉफी चाहिए। मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है। मुझे भी तुम्हारी याद आती है, हमारे न्यूयॉर्क वाले ब्रेकफास्ट की भी। इतने भी खड़ूस मत बनो बाबू, मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने पास चाहती हूँ। बेबी तुम ही आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना अब और नहीं रह सकता। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, लेकिन नई जॉब में काम बहुत ज्यादा है और नई जॉब के कारण मुझे भी छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम तो जानते ही हो यार, और अब तुम भी बहुत व्यस्त रहते हो। व्यस्त हूँ। डैड ने अपना स्कूल वाला फेवर मुझसे मनवा लिया, वो हमेशा अपना काम निकलवा लेते हैं। सुनो एलेक्स, क्या पता ये स्कूल कामगार साबित हो, तुम अपील में लिख सकते हो कि तुम्हें बच्चों के साथ मजा आ रहा है, वॉलंटियर बनने जैसा कुछ। हमारे यहाँ इसे खासा पसंद किया जाता है, क्यों सही है ना? और इसीलिए मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारे इसी तेज दिमाग के कारण। अच्छा जी, मुझे लगा तुम्हें मेरे शरीर के कुछ और अंग ज्यादा पसंद है। अरे बाबू मुझे अब जाने दो, मुझे अब जाने दो, बहुत सारा प्यार, बाय बाय। नो, हाँ माफी चाहता हूँ, गुस्सा मत करो, हालात ही ऐसे बन गए थे। दफा हो जाओ, बस भी करो, दफा हो जाओ, मेरा मन नहीं है अब। लार मत टपकाओ, ऐसा चाहने के लिए तुम सबसे पहले पॉल जैसा बनना होगा। हाँ जो भी हो, पॉल के पास कोई मौका नहीं होगा, मैं समझ गया हूँ। तुमने उसका कल वाला पार्कर देखा? अगर तुम उस तरह उछल कूद कर पाते तो लड़कियाँ तुम पर फिदा हो जाती। ठीक है मैं चलता हूँ। क्या तुम ज्यादा स्मार्ट हो?
हाँ? क्या तुम ही यहाँ स्मार्ट हो? फिर चलो, सबसे पहले तुम्हें ही स्टेशन चलना होगा, वहीं बात करेंगे, और अपने माता पिता को भी बुला लो। ये लोग यहाँ हमेशा गंदगी फैलाते हैं, मैंने तो कई बार पुलिस को भी बुलाया। आप लोग आ जाए हो, देखो इस सिगरेट वाले कचरे को। हाँ, हम तो सिगरेट पीते भी नहीं है। ओह, तो आप यहाँ पहले से हैं, और पता चल रहा है कि सफाई भी पूरी हो चुकी है। क्या आप इन बच्चों को जानती हैं? बिल्कुल, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। कैसी अध्यापिका हैं आप, देखिए इन्होंने यहाँ क्या हाल बना दिया है। अच्छा देखें, कूड़ा सिर्फ एक ही ढेर में है, अब इसे उठाकर सिर्फ कचरे के डिब्बे तक पहुँचाना है। क्या आपको मालूम है कि हमारे स्कूल में एक स्वच्छ शहर मुहिम चलाई जा रही है? इस सब को खत्म करके क्लास में आओ। मैडम, अगली बार प्लीज तभी कॉल करें जब आपको पता हो कि यहाँ क्या चल रहा है। फेक कॉल करने पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। सच में? ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। और आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें। Have a good day. Good day. ये पहली और आखिरी बार था, इसे खत्म करो और सीधे अपनी क्लास में जाओ, ठीक है? सॉरी। ठीक है। जरा रुको, देखो इसे, मेरे पास एक असली ग्रेनेड है, लड़ाई वाला। ये क्या है? मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे छोटे भाई को एक सैंडबॉक्स में मिला, जिसकी वजह से आज मुझे आने में देरी हो गई। मैं बड़ी मुश्किल से इसे ला पाया, फिर एक पड़ोसी चिल्लाने लगा कि इसे मत छुना। मुझे दिखाओ। ये रहा। हे भगवान, एक असली ग्रेनेड। चलो इसकी एक वीडियो बनाए, एक बच्चे के हाथ लगा, ये बहुत मस्त रहेगा। लाओ दो। नहीं, पागल हो क्या? कैसी वीडियो? ये खिलौना नहीं है। मैं इसे पुलिस के पास ले जाने वाला था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि हमारी क्लास है अंग्रेजी की। पर मैं बाद में चला जाऊंगा, तुम मेरी मदद करोगी ना? ये क्या है? ये मैट लिपस्टिक है, जैसे काइली के पास है। मुझे भी लगाने दो। क्या चाहिए? तुमने देखा पॉल के वीडियो पे कितने व्यूज आए हैं? हाँ, वो तो है ही, पॉल तो मस्त है ही। मैं भी कर सकता हूँ। जरूर। मुझे बस दिखावा करना पसंद नहीं। अच्छा ठीक है, फिर अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें एक किस दूंगी। तुम्हें कुछ मूव्स दिखाऊं तो साथ मूवी चलोगी? ओहो ठीक है, मैं चलूंगी, वो भी दो बार। तो फिर डन, वादा याद रखना। गुड मॉर्निंग डोरा, मेरे पास हमारे फायदे की एक खबर है। गुड मॉर्निंग, क्या तुम्हारा राजनीता पति हमारी मदद करेगा? कैसे कर लेता है?
ठीक है मिसेस टर्नर, मुझे बताना फिर और भी। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? नर्वस? हाँ थोड़ा सा। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आज के दिन ही आप परेशान नहीं होती। आपको इतनी मुश्किल क्लास पढ़ानी होती है। किस तरह की मुश्किल क्लास? कम से कम बदलाव की उम्र के बच्चों को पढ़ाना। क्या एक दोस्त के नाते मैं आपको सलाह दे सकती? बिल्कुल। हमारे स्कूल में बिजनेस ड्रेस में आना सबके लिए अनिवार्य है। माफ कीजिएगा, लेकिन किसी के कपड़ों की अलमारी से उसके पढ़ाने की गुणवत्ता पर क्या फर्क पड़ सकता है? हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपने कभी किशोर छात्रों को नहीं पढ़ाया है। ठीक है, इसे पढ़िए और यहाँ साइन कीजिए। ये क्या है, प्रोबेशनरी पीरियड? हाँ वैसा ही कुछ, पर परेशान मत होइए, ये बस औपचारिकता है। ठीक है, हाँ एक और बात, मैं आपके स्कूल के ड्रेस कोड के बारे में और कहाँ से जानकारी हासिल कर सकती हूँ? मिसेस टर्नर, मैं अभी डायरेक्टर के ऑफिस में जा रही हूँ, मुझे पता करना है कि क्या अंग्रेजी के नए अध्यापक आ गए। और आप प्लीज मेरा यहाँ इंतजार कीजिए, बेल लगने के बाद मैं खुद आपका परिचय छात्रों से करवाऊंगी। ठीक है? ठीक है। बहुत अच्छे। लोकल बिच। चलो चलकर पॉल को बताते हैं। पॉल पता है? पॉल जॉन ने कहा था कि वो तुम्हारे जैसे मूव कर सकता है, मुझे तो मालूम ही था वो नहीं कर सकता। कितना मजा आया। और ये क्या है, तुम ग्रेनेड को क्यों देख रहे हो? एक जरा सी गलती और हम सबके चीथड़े उड़ जाएंगे। प्लीज एक बार मुझे वीडियो बनाने दो, प्लीज यूट्यूब के लिए, मैं सावधान रहूंगी। लोला तुम्हें हुआ क्या है, तुम अपने हाथ और पैर गवाना चाहती हो? यूट्यूब चैनल तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। बैठ जाओ। लीना टेक्स्टिंग बंद करो, टीचर क्लास में है, तुमने देखा नहीं? ठीक है, आज से मिस कैथरीन वाटर्स आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगी, उनका स्वागत करिए और शुरू हो जाओ सब प्लीज। अब बैठ जाएं। ओ हेलो, आप सबको मेरा नाम तो पता ही है, मैं बस यही कहूंगी कि मैं सालों से अपना बिजनेस संभाल रही थी। कैसा बिजनेस? मेटल ट्रेडिंग का, और इसलिए मुझे इकोनॉमिक्स काफी अच्छे से समझ आती है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब तक आपने जो कुछ पढ़ा है वो पिछली सदी का है। शांत हो जाओ। पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसकी जरूरत क्या है। समझ जाओगे, अगर मैं तुम्हें कुछ लाख दूं तो क्या तुम ना कर दोगे? तो क्या आप हमें ये दोगी? नहीं मैं नहीं, इकोनॉमी देगी। वैसे पहले 10 लाख रुपए किस पर खर्च करना चाहोगे? एक याच और लड़कियों पर। कोई और? मैं अपने लिए क्लब बनाऊंगा ताकि मैं जब चाहूं वहां जा सकूं। बेहतरीन। ओलिविया सारा पैसा प्लास्टिक सर्जरी पर खर्च करेगी। याच, सर्जरी, लड़कियां, लड़के, इनमें से किसी पर भी निवेश करने की जरूरत नहीं है। क्लब वाला आइडिया मुझे काफी अच्छा लगा। तो क्लास के अंत तक हम पता कर लेंगे कि आप में से कौन अपना पैसा याच, लड़कियों या लड़कों पर खर्च करना चाहेगा। मैं आप सबको ग्रुप्स में बताऊंगी। पहला ग्रुप तुम लड़कियों का, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। चलो शुरू करते हैं। क्या हो रहा है जेंटलमैन? माफ कीजिए, हम वो वहाँ पर सफाई कर रहे थे। माफ करना, पर आप लोग क्या साफ कर रहे थे? ठीक है, मैं आपको सब कुछ बाद में बता दूंगा। ओके, 2 बार क्लास। माफ कीजिए। गुड मॉर्निंग एलेक्स। जी गुड मॉर्निंग मिस कॉफमैन, माफ कीजिएगा मुझे देर हो गई। बस कुछ ही मिनट में, कोई बात नहीं, मैं आपको क्लास तक छोड़ देती हूँ।
इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे याद है कि क्लास कहाँ पर है। क्या होगा अगर आपके छात्र फिर नहीं आए? क्या ऐसा होता है यहाँ? एलेक्सिया स्कूल है, यहाँ सब कुछ होता है। चलते हैं। गुड मॉर्निंग, प्लीज बैठ जाइए। मैं आपको आपके नए अध्यापक से मिलवाना चाहती हूँ। मिस्टर मेंडलसन अब आपको कुछ वक्त के लिए अंग्रेजी पढ़ाएंगे। आप लोग बहुत लकी हैं, मिस्टर मेंडलसन यूनाइटेड स्टेट्स में काफी वक्त तक रहे और वहाँ काम किया है। आपका शुक्रिया मिस कॉफमैन, आगे मैं देख लूंगा। ठीक है, बढ़िया, गुड लक। ठीक है, आज के लिए आपका होमवर्क क्या था? किसी ने कोई काम नहीं दिया था। समय और युवा, बढ़िया विषय है, मैं इसमें थोड़े बदलाव करूंगा। अब आओ निबंध लिखेंगे इस पर, मैं झूठ क्यों बोलता हूं। मैं झूठ क्यों बोल रहा हूं? खड़े हो जाओ। तुम्हारा सरनेम क्या है? क्रॉफोर्ड। सही शब्द नहीं पता होने की वजह से तुम्हारा एक पॉइंट कटता है। इसका सही अनुवाद होगा, मैं झूठ क्यों बोलता हूं। कोई सवाल? तैयारी के बिना निबंध लिखने की अनुमति नहीं है। अनुमति है, घड़ी चल रही है, जो भी काम नहीं करेगा उसे सेमेस्टर में सीधे एफ मिलेगा। क्या? पॉल, उसका ध्यान भटकाओ, मैं डिक्शनरी खोल रही हूं। माफ कीजिए, क्या मैं रेस्टरूम जा सकता हूँ? तुम 5 साल के नहीं हो, इसे रोक सकते हो। मैंने कुछ खराब खा लिया है, मुझे लगता है मैं उल्टी कर दूंगा, प्लीज। ठीक है, जाओ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। मुझे दिखाओ तुम्हारे हाथ में क्या है। डिक्शनरी का इस्तेमाल करना सख्त मना है। मिस वॉटर्स, क्या पॉन शूट करना एक आम व्यापार है? आप शराब और ड्रग्स भी बेच सकते हैं, लेकिन मैं इसका सुझाव नहीं दूंगी क्योंकि इसकी मांग और प्रतियोगिता काफी ज्यादा है, और ऐसा करने पर आप जेल भी जा सकते हैं, और कुछ देशों में तो इलेक्ट्रिक चेयर्स पर भी। इसमें रचनात्मक जैसा क्या है? मैं घरों के लिए एक जैसी दिखने वाली नंबर प्लेट बनाऊंगा और उन्हें शहर में बेचूंगा, क्योंकि सिर्फ पेंट से वो बहुत बेकार दिखती है। ओ, आप सच में एक अध्यापिका हैं? हाँ हाँ, एक अध्यापिका। इस बार देर से आने के लिए मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही हूँ क्योंकि तुम एक अच्छे काम में व्यस्त थे, लेकिन अगली बार तुम्हें इसके लिए अतिरिक्त होमवर्क करना पड़ेगा, समझ गए? ठीक है। ठीक है, सब लोग अपनी सीट पर बैठ जाओ, यहाँ सब अपने स्टार्टअप्स बना रहे हैं, तुम भी आ जाओ। वो क्या कर रहे थे? वे एक अच्छे इरादे से काम कर रहे थे, उन्होंने लाखों कमाए। हमारी आज की सामाजिक स्वच्छता ट्रिप के दौरान आप भी जानेंगे। नहीं, कैसी स्वच्छता? शांत रहिए, हमने सब कुछ साफ कर दिया था। लाखों वाला आइडिया आपको अच्छा लगा था? मुझे नहीं पता। तो फिर हम सब जा रहे हैं, मैं इस बारे में डायरेक्टर से बात करूंगी और ये एक व्यवहारिक पाठ माना जाएगा। और मैं अपने दिमाग से काम करता हूँ। मैं सच कहूँ तो पैसे के बदले टेस्ट देता हूँ, क्या इसे भी स्टार्टअप कह सकते हैं? हाँ, ऐसा संभव है। ओलिविया के पास लंबे समय वाली एक योजना है, गलियों में काम करने वाली। ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। और तुम तुरंत माफी मांगो। वरना क्या? अगर तुम लोगों से ऐसे ही बातें करते रहे तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रह जाएगा सिवाय ठेला लगाने के, समझ गए? ठीक है। मैं स्कूल के बाद तुम सबका इंतजार करूंगी।
ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। सच में कोई बात तो है, मैं बता रहा हूं। इकोनॉमिक्स मैम बहुत निडर हैं, हम सबको ठीक करके सब समझा दिया, उस पुरानी बूढ़ी औरत की तरह नहीं। वैसे पुलिस के सामने उन्होंने हमें बचा लिया था, उन्होंने तुरंत ही उसे संभाल लिया था। और वो अंग्रेजी का नया टीचर सबसे बुरा है, वो देर से आया और आधी से ज्यादा क्लास में उसका दिमाग कहीं और ही था, और उसने सबको निबंध लिखने को कहा। वो बहुत बेकार है, पर दिखाने की कोशिश ऐसा करता है जैसे वो बहुत कूल है। ऐसा कौन कूल आदमी होगा जो टीचर बनने के लिए यूएस से यहाँ भाग कर आएगा। चुप हो जाओ। क्या भूल गई है मिस कैथरीन वाटर्स।